तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ। तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेरा मेरा सच। मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के एक नए एपिसोड में। आज हम आ चुके हैं हांसी विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, जिस पे मनोज राठी जी को टिकट दी गई है झाड़ू के निशान के लिए। और हम यहाँ पे कार्यालय में उनके कार्यकर्ता भी है और उनसे पूछते हैं कि क्या रुझान चल रहा है। सर पहले आप आइए यहाँ पे। नहीं, पहला प्रण चलिए भाई। अच्छा ठीक है। क्या सर मनोज राठी जी को टिकट मिली है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या सोच विचार रखते हो आप, कैसे आप जीत हासिल करोगे? पक्का काम है जी, मनोज राठी जी भारी वोटों से हल्का हंसी से जीत चुनाव जीतने जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कोई और जो पार्टियां हैं उनके पास कोई कैंडिडेट भी नहीं है। कांग्रेस का बिल्कुल डेमी कैंडिडेट है और इन लोगों को आपको पता ही खत्म हो चुकी है। JGP को एक बच्चे को टिकट दी है और एक दो मजबूत कैंडिडेट है धाकड़ नेता हांसी के अंदर भाई मनोज राठी जी भारी मतों से विजयी होंगे। और BJP की हम बात ही करना छोड़ दें, क्योंकि आपने देखा मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था उसमें BJP के कार्यकर्ता ही नहीं पहुंचे और विनोद बयाना बुरी तरह से चुनाव हार चुके हैं और मनोज राठी जी भारी मतों से विजयी होंगे, क्योंकि हल्का हांसी की अगर कोई शान है मजबूती से आवाज़ रखते हैं मनोज राठी जी ही हैं और चुनाव 100% जीतेंगे। अच्छा, तो आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं, किससे देखते हैं? टक्कर किसी से नहीं है। आप ये देखो, भाजपा ने एक चोर को उतारा हुआ है जिन्हें मेमका बाग बेच दिया था, क्या उससे हमारी टक्कर होगी? हमारा नेता ऐसा है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, ऐसा धाकड़ नेता हांसी को पहली बार मिलने वाला है और विधायक मनोज राठी जी हांसी से मनेंगे। किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हो? मुद्दे हैं जी हांसी के अंदर। तो आप देखो, सबसे पहले हमारा एजेंडा है दिल्ली में जो विकास कार्य हुए हैं उनको लागू करने का, और आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में काम किया है अरविंद केजरीवाल ने, शिक्षा स्वास्थ्य और हर चीज़ के अंदर जो काम किया हर क्षेत्र के अंदर, वो हमारा एजेंडा रहेगा। और साथ में विपक्षी जो पार्टियां हैं जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जैसे कि भाजपा के लगा लो विनोद बयाना किस मुंह से वोट मांगेगा शहर से, सारा शहर सारे गांव के अंदर जिन्हें हर काम में चोरी की है वो किससे वोट मांगेगा? कांग्रेस वाला देख लो आप, उसको यही नहीं पता क्या बोलना क्या नहीं, कोई जानता ही नहीं है कांग्रेस का भी। सारी की सारी पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के लिए एक नया विकल्प लेके आ रही है और हांसी हलके के अंदर मनोज राठी जी जिस प्रकार मजबूती से अपनी बात रखते हैं उसके बराबर कोई है ही नहीं। आम आदमी पार्टी की पक्की जीत हांसी से। इंडिपेंडेंट के तौर पर प्रेम सिंह मलिक जी भी उतरे हैं इस ग्राउंड में और सुनने में आया था कि उन्होंने पूरे शहर की सफाई करवा दी, उनको कैसे देखते हो, क्योंकि वो भी आपसे कहीं ना कहीं तो टक्कर ले रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है जी, प्रेम सिंह मलिक का नाम ही कहाँ पे है आप देख लेना, समाज सेवी होना और एक राजनेता होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप ये मान के चलो क्या अभी चुनाव के दौरान ही प्रेम सिंह मलिक को समाज सेवा दिखती है? भाई मनोज राठी जी पिछले 17-18 साल से समाज सेवा कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं, ऐसा नेता ही हांसी को चाहिए, ऐसा कोई नहीं चलेगा हांसी के लिए। और कोई आपकी पार्टी में कोई बगावत? कोई बगावत नहीं है, पार्टी के सारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं भाई मनोज राठी जी को। अब तो बस ये डिफरेंट रहेगा कितने वोटों से भाई मनोज राठी जी चुनाव जीतते हैं। आप कैसे देखते हो उस पार्टी को? भाई साहब मनोज राठी एक तरफा जीतने लग रहे हैं हांसी के अंदर। आपने बताया है इनके सामने कोई नेता ही नहीं है किसी प्रकार का, एक दो नेता हैं उनको कोई जानता नहीं। एक आप बता रहे हो अभी आपने जिक्र किया प्रेम मलिक मेरे साथ बास से है, हमने तो पता नहीं साथ बास कहाँ उसके साथ में, हम तो साथ बास से खड़े जी बिल्कुल साथ बास से, हमने तो सुना नहीं साथ बास में कहाँ से प्रेम मलिक आया है। विनोद बयाना है उसका सभी ने पता है जी, एक मेम का बाग था वो बेच के खा गया, सारी हांसी में विरोध हो रहा है, बच्चा आज उसने चोर कहने लग रहा है, कौन वोट देगा जी उसने, कोई वोट नहीं देगा। अच्छा, बाकी कैंडिडेट्स को? बाकी कैंडिडेट आप एक कांग्रेस का आया है पता नहीं कहाँ से, हमने तो आज तक कभी देखा नहीं ना कभी सुना था हमने तो कौन कांग्रेस का कैंडिडेट है, हम तो जानते नहीं पूरी, हम नहीं जानते तो पूरी हांसी नहीं जानती। मैं हांसी का हल्का प्रधान हूँ आम आदमी पार्टी। बिश्नोई जी को तो जानते होंगे? रेणुका बिश्नोई को जाना जी, रेणुका बिश्नोई क्या है जी, रेणुका बिश्नोई पिछले 5 साल में यहाँ एक बार भी नहीं आई, कभी आइए नहीं, वो उसका बताओ क्या वो है, कभी उसने यहाँ आके पूरे हल्के में चुनाव जीत के कभी एक बार हमने तो देखी नहीं। एक बार चुनाव होता है तब आते हैं, उसके बाद में अपने कहीं पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई हमने तो कभी सुना नहीं यहाँ। ठीक है सर, कैसे देखते हो आप हांसी के चुनाव को? हांसी के चुनाव में जी मनोहर राठी की एक तरफा जीत है जी, कोई भी उम्मीदवार टक्कर में नहीं है। जिस प्रकार मनोहर राठी ने
अपने इलाके में पिछले लगातार 17-18 साल से समाज सेवा की है, उस समाज सेवा का जो लाभ है अभी वो जनता देगी, जनता बिल्कुल हिसाब चुकाएगी। बाकी जो कैंडिडेट हैं वो बन जाते हैं, बनने के बाद पिछली बार बने थे रेणुका बनी थी, उन्होंने हल्के अपने दर्शन नहीं दिए, आए नहीं कभी एक बार बनने के बाद में। और विनोद भैणा जी जिनकी बात चल रही है, हर जगह नारे लग रहे कि विनोद भैणा चोर है, जिन्होंने बाघ बेच दिया, उनको कौन वोट देगा? यहाँ पर तो एक तरफा बिल्कुल जीत दिखाई दे रही है मनोज राठी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुनने में आता है विनोद भैणा 40,000+ वोटों से जीत रहे। नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कहाँ से सुनने में आया? बिल्कुल, हम तो हर जगह घूम रहे हैं, कहीं भी ऐसा हमने नहीं देखा विनोद भैणा के, तो शहर में नारे लग रहे विनोद भैणा चोर है, चोर है, चोर है, आपने कहाँ सुन दिया? पुतले फूके लग रहे हैं उनके, तो पुतले फूके हैं, सैनीपुर में गया है या और कहीं भी गया है, उसके पुतले फूके हैं, शहर में बहुत ज़्यादा पुतले फूके हैं और वो गाँव में बढ़ने नहीं देते लोग, उनको वापस भेज देते हैं। ठीक है, युवाओं के लिए अगर आम आदमी पार्टी को सत्ता हासिल हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि ये युवाओं के लिए कुछ कर पाएगी? आम आदमी पार्टी में भाई मनोज राठी को टिकट मिली है, दिल्ली में बहुत अच्छे काम कर रखे हैं, बेरोजगार बच्चे थे उन्हें पढ़ाई अच्छी मिली है, जो रोजगार मिला है उन्हें 14,000 रुपये सैलरी मिलती है, अपने हरियाणा में कम से कम 7-8 हज़ार पैसे सैलरी देते महीने में, रोजगार बच्चा अगर पढ़ाई के साथ अगर उसे नौकरी चाहती है तो 15-20 हज़ार रुपये नॉर्मल सैलरी होनी चाहिए। मतलब दिल्ली के कामों को आप यहाँ से वैसे ही काम आप यहाँ करवाने के लिए यही सोचते हैं ये? ठीक है, आसिम है भाई मनोज राठी एक नंबर से फाइट में चल रहे आगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों की अपील करेंगे भाई साहब, और भारी वोटों से। एक बार रोकना चाहूँगा, मनोज राठी ने एक चीज़ कही थी कि मैं अगर मेरे को मेम का बाग मिलता तो मैं उसमें अस्पताल खुलवा देता। मैं बताऊँगा भाई साहब, वो ऐसे है, मनोज राठी ने ये कहा था जो मेम का बाग है उसको इस तरीके से जैसे अपने एक मतलब पीछे पुराना जो पॉलिटिशियन था उसने बेच के अपनी जेब में डाल लिया, उस प्रॉपर्टी को इक्वायर करके वो उसमें एक बहुत बढ़िया दिल्ली की तरह पर भव्य स्कूल बना सके थे। उस स्कूल का जो है ना कोई खर्चा होता ना कोई, और वो कैसे उसी प्रॉपर्टी के चारों तरफ दुकानें बना देते, उन दुकानों का किराया इतना आ जाता, 3 करोड़ रुपये उन दुकानों का किराया आता, और दिल्ली की तरह यदि स्कूल बनाते उसमें हर गाँव से बच्चों को बस लेके आती, एक एक बस, दो दो बस गाँव में भी जाती ना तो भी 200 बस लगती पूरे स्कूल के अंदर, 200 बसें होती, स्विमिंग पूल होता, बढ़िया कोच होते उसके अंदर, बढ़िया जो है ना स्कूल होता, हज़ारों मास्टर होते उसके अंदर, और उसके चारों तरफ जो दुकान बनती उनसे उसके किराए से जो है वो स्कूल चलता, कोई दिक्कत ही नहीं आनी थी। एक एक महीने का किराया 2-3 करोड़ रुपये आता और 1 करोड़ रुपये मैक्सिमम उसका खर्चा होता महीने का, 2 करोड़ रुपये सालाना सरकार को बचने थे, ये तो ऐसा हो जाता। तो कितने वोटों से जीत निश्चित करते हो आप? हम तो जी हमारी फाइट में किसी को मान नहीं रहे, कम से कम भी 30 और 35 हज़ार वोटों से मनोज राठी जीत रहा है। युवा साथी है, बहुत बढ़िया लड़का है, देखो जी हर आदमी के दिलों पे छाया हुआ है, इतना अच्छा लड़का है जी, किसी से जाके आप पूछोगे ना भाई मनोज कैसा लड़का है तो कोई ये कहने वाला नहीं मिलेगा, भाई मनोज तो एक नंबर का और बढ़िया लड़का है। ठीक है, और कोई गठबंधन करने के आसार आने वाले समय? हमारा तो जी जनता के साथ में गठबंधन है, जनता वोट देगी हम बनेंगे, किसके साथ गठबंधन करना है। चलिए, तो ये था आम आदमी पार्टी का कार्यालय जहां से मनोज राठी जी को टिकट दी गई है। अब आने वाला समय ही बताएगा क्योंकि समय बड़ा थोड़ा रह चुका है 21 अक्टूबर को, क्योंकि ये त्योहारों का दिन चल रहा है, तो एक त्यौहार 21 अक्टूबर को भी होएगा, आप वोट देने जरूर जाए, जिसको भी आप वोट दे। इनसे ही एक छोटी सी सवाल हमने आप पूछ ही लेते हैं इनसे कि मनोज राठी को वोट क्यों दे, एक ही शब्द में। मनोज राठी को पढ़ाई की ओर से और काम की जोर से एक एक वोट देना चाहिए जी, उनने अच्छे काम किए हैं आम आदमी पार्टी में भी। ठीक है, इन्होंने बताया कि उनको वोट क्यों देना चाहिए, अब आपके ऊपर है आप वोट किसको देने जाए। 21 अक्टूबर को हम लाइव कवरेज आपके साथ रखेंगे तेरा मेरा सच के साथ। तेरा मेरा सच पर सुमन शर्मा के साथ।